हेलो स्टूडेंट, जय स्वामी नारायण। टुडे वी कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 9 वैल्यूएशन। हमने लास्ट टाइम पर्पसेस और ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था, ओके। उसमें बेटरमेंट चार्जेस, व्हेन द प्रॉपर्टी कम्स अंडर सम टाउन प्लानिंग स्कीम ऑफ द एरिया, इट्स वैल्यू इज इंक्रीजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल टैक्स known as betterment charges. It becomes therefore necessary for the owner of the property to know the value of his property. That means, for example, कोई आपके पास property है, okay, और वो town planning scheme में आती है, तो उसके related आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो भी उसकी value हो उससे ज़्यादा हमें pay करना पड़ेगा, as in the form of additional tax, okay, that is called betterment charges. Then speculation, when a purchase is intended for the sale of the property and make some profit, a short period valuation is necessary for that purpose, and this is known as a speculative value. When a purchase is intended for the sale of the property and make some profit, okay, a short period valuation is necessary for that purpose, and this is known as a speculative value. आप कोई भी property है वो खरीदते हैं for sale के लिए, उसमें risk होता है कि भाई चलो हमें इस पर profit मिलेगा, okay, पर वो नहीं भी मिल सकता, दैट इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। ए शॉर्ट पीरियड वैल्यूएशन इज नेसेसरी फॉर दैट पर्पज एंड दिस इज नोन एज अ स्पेक्यूलेटिव वैल्यू। कॉर्ट फीस, व्हेन अ केस हैज टू बी फिल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द रियल एस्टेट, इट बिकम्स नेसेसरी टू अफिक्स स्टैम्प ऑफ सुटेबल अमाउंट, दिस अमाउंट इज वर्कड आउट आफ्टर अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर द डिस्प्यूट। This amount is worked out after arriving at the value of the property under dispute. Okay, gift tax. When a case have to be filed with respect to a real estate, it becomes necessary to affix stamp of suitable amount. Okay, तो आपको क्या करना है? When a case to be filed with respect to आपने case को केस किया है विथ रिस्पेक्ट टू द रियल एस्टेट, इट बिकम्स नेसेसरी टू अफिक्स। व्हेन अ केस हैज टू बी फिल्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ रियल एस्टेट, इट बिकम्स नेसेसरी टू अफिक्स स्टैम्प ऑफ सुटेबल अमाउंट, ओके, दिस अमाउंट इज वर्कड आउट आफ्टर अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट, ओके। गिफ्ट टैक्स, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज गिफ्टेड, वैल्यूएशन ऑफ अ गिफ्टेड प्रॉपर्टी इज नेसेसरी टू पे गिफ्ट टैक्स टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन हुम द प्रॉपर्टी हैज बीन गिफ्टेड, ओके, उसके लिए टैक्स पे करना पड़ता है, ओके, दैट टू द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट टैक्स। बैलेंस शीट, समटाइम्स ए कंपनी रिक्वायर्स वैल्यूएशन ऑफ इट्स प्रीमिसेस फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैम इन द बैलेंस शीट। Sometimes a company requires valuation of its premises for the purpose of showing them in the balance sheet. Okay, difference between the estimation and valuation, estimate and valuable. The process of calculating the quantities and cost of various items of the buildings to know its probable cost is called the estimation. Valuation is the art of estimating or determining the fair prices or value of a property, such as building, factory, other engineering structures, lands, etc. Estimation is done before starting the construction. Valuation is done after the completion of the construction or for land only. At the time of estimation, the property is not in front of the eyes of the estimator, therefore accuracy is less. At the time of valuation, the property is in front of the eyes of the valuer, therefore accuracy is more. Purpose of the estimation are
प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एस्टिमेशन का क्या पर्पस है? तो प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है, किसके बारे में है, उसको उसके रिलेटेड स्टडी करना हो तो उसके लिए एस्टिमेशन चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू इन्वेस्टिगेट द फिजिबिलिटी, वो प्रोजेक्ट जो भी है वो फिजिबल है कि नहीं है। टू गेट द लोन फ्रॉम द बैंक, ओके। पर्पस ऑफ वैल्यूएशन आर बाइंग और सेलिंग द प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ऑफ द लोन्स, रेंट फिक्सेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एस्टिमेशन आर द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन, लोकेशन, ओके, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन है, किस ईयर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका लोकेशन क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यूएशन आर डिमांड एंड सप्लाई, डेवलपमेंट इन पब्लिक स्कीम, राइज इन पॉपुलेशन, बैंक इंटरेस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड वैल्यूअर, ए वैल्यूअर इज एन एक्सपर्ट हु कैन वर्क आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एनालिसिस एंड इंश्योरेंस ऑफ द सेल्स, ओके। A good valuer is an engineer or architect, the valuer who has been property trained in his subject, property trained in his subject can play a great role in arriving at the reasonable value of the properties. The valuer who has been property trained in his subject can play a great role in arriving at the reasonable values of the properties. The good valuer must possess sound knowledge of the following subjects: estimating and costing, planning and designing, surveying, leveling, building bylaws of the local bodies, law of contracts, law of acquisition, okay, then experience in the construction works, Town Planning Act, arbitration, economics, geography, sociology, commercial mathematics, investment principles, insurance, money market rate of interest, taxation of the government, then report writing, etc. इस सब में वो वैल्यूअर एक्सपर्ट होना चाहिए. Then mortgage, freehold property, leasehold property. Mortgage. The owner of a property can borrow money against the security of his property. Some advantages, advancement of money against any form of security is called as mortgage. The owner of a property can borrow money against the security of his property. Such achievement of money against any form of security is called as mortgage. The transaction, the security and the condition of loan are entered in document known as mortgage deed. The transaction, the security and the condition of loan are entered in a document known as mortgage deed. The person who takes loan is known as a mortgagor. Okay. When the loan repaid together with the interest, the mortgagor has got the right to free his property from the mortgagee, and this is known as a equity of redemption. Okay. When the money is advanced by deposing the title deed of property with mortgagee as a security for the repayment of the loan and interest, it is known as a equitable mortgage. When the money is advanced by deposing the title deed of property with the mortgagee as a security for the repayment of the loan and interest, it is known as a equitable mortgage. In case of the failure of the repayment of the loan by the mortgagor,
The mortgagee can take over possession of the property and sell it to recover the amount of the loan and the interest and the other expenses. The surplus, if any, is paid to the mortgagor. हम ऑनर के पास कोई भी या जो भी स्कीम चल रही है फ्लैट की, उसमें कोई भी हम फ्लैट लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए सिक्योरिटी वो मनी लेते हैं. ओके, सिक्योरिटी हमें कुछ पे करना पड़ता है ऑनर को, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज. ओके, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी. द ऑनर ऑफ ए प्रॉपर्टी कैन बोरो मनी अगेन इज द सिक्योरिटी ऑफ हिज प्रॉपर्टी. सच एडवांसमेंट ऑफ मनी अगेन इज एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड द मॉर्गेज. द ट्रांजेक्शन, द सिक्योरिटी एंड द कंडीशन ऑफ द लोन आर एंटर्ड इन द डॉक्यूमेंट नोन एज मार्केट डीड. जो भी हम ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटी और कंडीशन ऑफ द लोन जो भी है आर एंटर्ड इन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में एंटर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड. द पर्सन हु टेक्स लोन इज नोन एज ए मॉर्गेजर. व्हेन द लोन रिपेड टुगेदर विथ इंटरेस्ट, ओके, व्हेन द लोन रिपेड टुगेदर विथ द इंटरेस्ट, द मॉर्गेजर हैज गॉट द राइट टू फ्री हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्गेजी एंड ही इज नोन एज इक्विटी ऑफ द रिडेम्पशन. दैट मीन्स जो भी हम लोन लेते हैं वो इंटरेस्ट के साथ हम पे करेंगे. ओके, तो वो हमारी प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो हमको दे देगा विथ फ्रॉम द इट इज फ्री फ्रॉम द प्रॉपर्टी, राइट टू फ्री हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द मॉर्गेजी. एंड दिस इज नोन एज ए इक्विटी ऑफ रेडिम्पशन. वेन द मनी इज एडवांस्ड बाय डिपोजिंग द टाइटल डीड्स ऑफ द प्रॉपर्टी विद द मॉर्गेजी एज ए सिक्योरिटी फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट, इट इज नोन एज ए इक्विटेबल मॉर्गेज. इन केस ऑफ फेलर ऑफ द रिपेमेंट ऑफ द लोन बाय द मॉर्गेजर, द मॉर्गेजी कैन टेक ओवर पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सेल इट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन एंड द इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, आप पेमेंट करना भूल गए हो, लोन पेमेंट करना भूल गए हो, तो मॉर्गेज ही क्या करेगा, कैन टेक ओवर द पोजिशन, वो पोजिशन ले लेगा ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सेल इट टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लोन द इंटरेस्ट एंड द अदर एक्सपेंसेस. ओके, तो वो उसको बेच के भी वो अमाउंट ऑफ लोन वगैरह रिकवर करेगा. द सरप्लस इफ एनी इज पेड टू द मॉर्गेजर. द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड इन द कनेक्शन विद द मॉर्गेज. अमाउंट ऑफ लोन नोट मोर देन 70%, अमाउंट ऑफ लोन नॉट मोर देन 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी कंसिडर्ड फॉर एडवांसिंग द अमाउंट ऑफ लोन. नेट रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द फेवरेबली मोर देन द इंटरेस्ट दैट ए मॉर्गेजर विल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑन द लोन अमाउंट. नॉट मोर देन 70% ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी कंसिडर्ड. जो भी वैल्यू है उसका 70% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फॉर एडवांसिंग द अमाउंट ऑफ लोन, ओके, तो लोन लेना है तो जो भी 70% है उसके ज़्यादा नहीं ले सकते हैं. ओके, जो भी अमाउंट है और जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे ज़्यादा परसेंट हम लोन नहीं ले सकते. नेट रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द फेवरेबल मोर देन द इंटरेस्ट दैट ए मॉर्गेजर विल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑन द लोन अमाउंट. नेट रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, नेट रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और फेवरेबली मोर देन द इंटरेस्ट दैट ए मॉर्गेजर विल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑन द लोन अमाउंट. नेट रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और फेवरेबली मोर देन द इंटरेस्ट
इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, दैट ए मॉर्गेजर विल बी रिक्वायर्ड टू पे ऑन द लोन अमाउंट इंश्योरेंस. इट इज़ डिजायरेबल टू हैव ए इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ बोथ द मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी. द इंश्योरेंस पॉलिसी इज कैप्ड विद द मॉर्गेजी एंड मॉर्गेजर इज रिक्वायर्ड टू पे द प्रीमियम रेगुलरली. पीरियड ऑफ द लोन. द पीरियड ऑफ द रीपेमेंट ऑफ द लोन इज जनरली मोर एंड हैंस द प्रॉपर्टी मस्ट स्टैंड एज सिक्योरिटी फॉर द लोन ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सो फ्रेम दैट इट सर्व्स एज ए साउंड lendable basis considering the property will depreciate and more repairs may crop up if the mortgagor neglects to maintain the property. Period of the loan. The period of the repayment of the loan is generally more. And hence the property must stand as security for the loan over a longer period of time. And the valuation of the property is so framed that it serves as a sound lendable basis considering the property will depreciate and more repairs may crop up if the mortgagor neglects to maintain the property. Leasehold property. It is to have a mortgage deed for a leasehold property, but in such cases care should be taken to revalue the property periodically so as to see that the amount of the remaining loan does not exceed the value of the property. That is called leasehold property. Third party guarantee. Normally the mortgagee is more interested in the recovery of his loan rather than the possession of the mortgagor's property. Hence sometimes a personal guarantee from a reputable party is included in the mortgage deed so that in case of emergency the mortgagee may request such party to repay the loan advance to the mortgagor. Third party guarantee. Normally the mortgagee is more interested in the mortgagee party is more interested in the recovery of his loan rather than the possession of the mortgagor's property. Hence sometimes a personal guarantee. Normally the mortgagee is more interested in the recovery of his loan rather than the possession of the mortgagor's property. Hence sometimes a personal guarantee from a reputable party is included in the mortgage deed so that in case of emergency the mortgagee may request such party to repay the loan advance to the mortgagor. That means कोई कहीं से भी आप लोन लेते हो तो एक थर्ड पार्टी गारंटी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई इमरजेंसी आई जिसकी वजह से जो भी जिसने भी लोन लिया है वो नहीं पे कर पाया है, तो जो भी थर्ड पार्टी गारंटी है उसके पास से हम जो भी लोन विथ इंटरेस्ट पे करना है वो पेमेंट कर सके, बोल सके थर्ड पार्टी को कि उसका पेमेंट कर दे. दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी गारंटी. मॉर्गेज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लीज होल्ड प्रॉपर्टी. द डिफरेंस बिटवीन द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड लीज होल्ड प्रॉपर्टी. फ्री होल्ड इज एन एब्सोल्यूट ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी. लीज होल्ड पजेसेस द ऑक्यूपेशनल राइट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ ड्यूरेशन एंड आफ्टर दैट हैज नो लॉन्गर एन राइट फॉर दैट प्रॉपर्टी. दैट इज कॉल्ड लीज होल्ड प्रॉपर्टी. ए फ्री होल्ड डज नॉट रिक्वायर एनी पेमेंट इन द nature of rent. And leasehold property required to pay periodic payment regularly to hold the possession of the property. That means हम कोई भी loan लेते हैं, कोई भी property पे loan लेते हैं, तो that is called leasehold property. और freehold property, that means आपने कोई property ले ली है, तो that is called freehold property. The freeholder may sell, render, lease and develop the property without consent of any other private person. A leasehold property or leaseholder cannot sell the property and he cannot lease the property. The property can be developed within the limits of the municipal law.
द प्रॉपर्टी कैन बी डेवलप विद इन द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपल लॉ. द लीज होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्डर कैन नॉट डेवलप द प्रॉपर्टी विद इन द कंसेंट ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. लीज होल्डर है वो कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन और विदाउट द कंसर्न ऑफ द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी. थैंक यू.